अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है चिकन मैक्रोनी। तो चलिए स्टार्ट करते। ये मैंने कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल लिया है, तेल लिया है, उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ली है। तेल इसमें हमको कम ही डालना है, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए, लाइट ब्राउन करनी है हमको प्याज को। और मैक्रोनी मैंने बॉईल करके ले ली थी। मैक्रोनी में सिर्फ हमको नमक डालना है और कुछ नहीं डालना है। ये आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। इसका भी थोड़ा हल्का सा स्मेल जाने तक उसको फ्राई करना है। और ये मैंने चिकन लिया था, 5-6 पीसेस ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिया था। उसको भी मैंने बॉईल करके ले लिया था नमक डाल के। ये डाल के हम उसको फ्राई करेंगे। और आधा चम्मच विनीगर डाला है, वाइट सिरका, इसको भी हमको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लगेगी और ऐसे आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है हमको। और तेल इसमें कम ही डालना है हमको। ये अच्छे से फ्राई हो जाए थोड़ा। उसके बाद टोमेटो सॉस डाला है मैंने 2 चम्मच। ये डालने के बाद भी इसको हमको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद रेड चिली सॉस डाला है मैंने 1 चम्मच। ये देखिए, रेड चिली सॉस 1 चम्मच डालना है। मुझे कम लगा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा डाला है, 1/2 चम्मच और डाला था। ये देखिए, इसको भी अच्छे से हमको मिला लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैक्रोनी मैंने पहले बॉईल करके ले ली थी, ये देखिए ऐसे हमको बॉईल कर लेना है। और इसमें डाल देना है, फिर मिक्स कर लेना है हमको सब अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद नमक डाला है मैंने, अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। आधा चम्मच मैंने डाला था। और मैक्रोनी में और मसाले में भी नमक रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा देख के डालिएगा। और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए आप सबका। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए। और ये पास्ता मसाला डाला था मैंने। आपको चाहिए तो आप कोई भी कंपनी का डाल सकते हो। ये 1 पैकेट डाला था मैंने और अच्छे से मिक्स कर लिया। और रेडी हो जाएगी हमारी मैक्रोनी फटाफट से। मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया आप सबका। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऊपर से हरा धनिया डाला है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, मैंने लाल मिर्च थोड़ा सा हल्का सा दरदरा करके इसके ऊपर से डाला है। आपको चाहिए तो आप भी डाल सकते हो। ये देखिए कैसी लग रही है, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।